आपको सीरीज का आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे हमें डिजाइन करना था 2, 4, 6, 8, 10, तो स्टार्ट वैल्यू हमने रखी थी 2, हमने कंडीशन दी थी जब तक हम 10 तक ना पहुंचे, और हम हर बार इंक्रीमेंट पे 2 कर रहे थे, और हम प्रिंट कर रहे थे आई को। सेकंड हमारा 10, 8, 6, 4, 2, तो शुरुआत हमने की थी 10 से और हम गए थे 2 तक, और माइनस 2 किया था, हमें जनरेट करना था 1, 4, 9, 16, 25। तो ये भी सीरीज 1 से लेके 5 तक ही है, बस हमने नंबर्स का स्क्वायर कर दिया। तो पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर। अगली सीरीज में हम क्यूब कर रहे थे, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो ये सॉल्यूशन आपको मैंने बता दिए थे। हर लूप में 3 चीजें आती हैं, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन काउंटर और स्टेटमेंट। तो बस आपको वही चेंज करना था। अब जो ये सीरीज है, ये भी एग्जैक्टली वही सीरीज है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। बस हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स आने चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 4 तो यहाँ 3, यहाँ 9 तो 8। तो कंक्लूजन निकला आई इंटू आई माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 परफॉर्म हो रहा है, इसका से सीरीज बन जाएगी। अब इसी तरह से हम इस सीरीज को देखिए, 1 तो यहाँ पे 2, यहाँ 4 तो यहाँ 5, यहाँ 9 तो यहाँ 10। तो कंक्लूजन निकला कि ये सीरीज भी सेम है, बस हमें आई इंटू आई प्लस 1 करना है, जिससे कि जो भी स्क्वायर वाला नंबर होगा उससे एक एडो के शो होगा। तो क्यों ना ये प्रोग्राम आपको मैं करके दिखाऊं। तो दो ऑप्शन है, या तो हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करें, या हम चाहे तो आईडीली का यूज करें, जो आपको आईडी पसंद हो। नेक्स्ट वीक में कुछ नए आईडीज को ट्राई करेंगे। तो फाइल, देन न्यू फाइल, हम इनिशियल वैल्यू रख रहे हैं 1, और हम कह रहे हैं कि जब तक हम लेस देन इक्वल टू 5 है, और हम प्रिंट करना चाहेंगे आई इंटू आई माइनस 1 और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस इन द सेंस आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस प्लस हम सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, इसे सेव कर लेते हैं जहां भी आप सेव करना चाहें। तो इसको मैं सेव करना चाहूंगा आप लोगों के फोल्डर में, सीरीज 0, 3, 8, 15, 24 यूजिंग वाई डॉट पी वाई। अब इसे रन किया जाए तो राइट क्लिक एंड देन रन इन टर्मिनल, हम इसे टर्मिनल में रन कर रहे हैं। और जैसे हमने टर्मिनल में रन किया तो हमें देखिए आंसर में क्या 0, 3, 8, 15, 24। अगर हम चाहते कि डिफरेंट लाइन में डिस्प्ले ना हो, एक ही लाइन में डिस्प्ले हो, तो एंड इक्वल टू हम स्पेस दे देते हैं, जिससे कि डेटा स्पेस के साथ प्रिंट होगा। तो अगेन अगर हम फिर से देखें तो हमें अब एक ही लाइन में डेटा शो हो रहा है 0, 3, 8, 15, 24। अब इसी में हम चाहें तो माइनस 1 की जगह प्लस 1 भी कर सकते हैं, तो उसको मैं सेव इस कर लेता हूं और हम कर देते हैं 2, 5, 10, 17 और 26। तो यहाँ पर हम माइनस 1 की जगह प्लस 1 कर देते हैं और इसे रन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अब हमें जो नई सीरीज थी वो सीरीज भी शो हो गई। क्योंकि फ्लो चार्ट के बाद प्रोग्राम हमें बेहतर समझ में आएगा। लास्ट टाइम मैं आपको इसका एल्गो समझा दिया था कि किस तरह से इसका एल्गो डिजाइन होगा।
तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, फिर हमने यूजर से एक नंबर पूछा कि किस नंबर का टेबल हमें चाहिए। हम जानते कि टेबल वन से शुरू होता है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। हमने लूप को वन से शुरू किया और हम जानते कि हम 10 तक टेबल प्रिंट करते, तो हमने आई का लूप वन से लेके 10 तक परफॉर्म किया। जब तक कंडीशन ट्रू है दोस्तों, तब तक टेबल प्रिंट होगा। तो क्योंकि लूप 10 बार चल रहा है तो लाइन भी 10 प्रिंट होंगी। पहले प्रिंट होगा नंबर, जो नंबर हमने इनपुट किया, फिर इनटू का साइन, फिर आई की वैल्यू, फिर इक्वल टू और फिर एन इंटू वाई। जैसे मान लीजिए कि एन 2 है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। हमें आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो आई टू आई प्लस 1। लूप की खासियत है लूप वापस जाता है, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार लॉजिक। और कभी ना कभी कंडीशन फॉल्स होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम स्टॉप करना चाहेंगे और हमारा लॉजिक यहीं स्टॉप हो जाएगा। अब आपसे मैं क्या उम्मीद करता हूं, रिवर्स द लूप। मैं पहले भी लूप को रिवर्स करना सिखा चुका हूं, तो फायदा क्या होगा कि अभी जो मैंने डिजाइन किया वो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 दिखाएगा, लेकिन जब आप लूप को रिवर्स करेंगे तो होगा कि रिवर्स मल्टीप्लिकेशन टेबल आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल इन रिवर्स। जैसे कभी कभी हमसे स्कूल में मैम कहते थे कि रिवर्स में टेबल बताए, 2 10 20 2 9 18। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग घर में इसे ट्राई करें। तो सिंपली आपको कंडीशन चेंज करनी है, इनिशियल वैल्यू और काउंटर चेंज करना है, जिससे कि रिवर्स में डिजाइन हो जाए। तो दोस्तों अब हमने फ्लो चार्ट सीख लिया, अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे। तो हमेशा की तरह मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहा हूँ, फाइल में क्या कह रहा हूँ न्यू फाइल, और इसे सेव कर लेता हूँ जिससे कि इंटेलिजेंस हमें सजेशन दे। तो इसका हम नाम दे रहे हैं, आज का ये सेकेंड प्रोग्राम है या इनफैक्ट थर्ड प्रोग्राम है, और इसका नाम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन टेबल डॉट पी वाई। सबसे पहले हम यूजर से एक नंबर पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंटीजर भी यूज कर सकते थे या इवल भी यूज कर सकते थे, जो आपको बेटर ऑप्शन लगे। और हम यूजर से कह रहे हैं एंटर नंबर, और हमें एक लूप परफॉर्म करना है जिसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी 1, जब तक कि हम 10 तक ना पहुंच जाए। हमें सबसे पहले प्रिंट करना है एन को, कॉमा के साथ एक सिंबल। अब क्योंकि सिंबल एक मैसेज है तो डबल कोट्स में आएगा, वेरिएबल्स हमेशा डबल कोट के बाहर आते हैं। फिर इक्वल टू का सिंबल, तो अगेन डबल कोट्स, और अंत में एन इंटू वाई। अब हम जानते कि हमें आई को इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा वो 1 पे ही रहेगा। तो हम सिस्टम से करें कि अब सिस्टम आई के लिए इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाए। प्रोग्राम तैयार है, इसे रन किया जाए। तो मैंने नंबर कहा 2, और जैसे मैंने 2 कहा दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 का टेबल यहां पे प्रिंट हो रहा है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6। इस तरह से चलते चलते 2 10 20। आप कोई डिफरेंट नंबर भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। जैसे मैं चाहता हूं टेबल 73 का, तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोग्राम, कि छोटे छोटे नंबर्स का हमें टेबल आता है, लेकिन इस प्रोग्राम की मदद से हम बड़े नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल डिजाइन कर सकते हैं। टू डू एट होम, डिजाइन सेम प्रोग्राम बाय रिवर्सिंग द व्हाइल लूप।
to display multiplication table in reverse. अब हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों. मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ फिबोनाची सीरीज. ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक सीरीज दी. उस सीरीज की कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट टू टर्म्स आर फिक्स्ड विथ वैल्यू 0 and 1. Rule second, successive terms are addition of its previous two terms. तो इसका मतलब हुआ कि सीरीज कुछ ऐसी है कि पहली वैल्यू है 0, फिर है 1. अब जो नेक्स्ट टर्म है वो इन दोनों का एडिशन बनेगी. तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? 1. अब नेक्स्ट टर्म बनेगी इन दोनों का एडिशन जो आएगी 2. नेक्स्ट इन दोनों का एडिशन यानी 3. नेक्स्ट इन दोनों का एडिशन यानी 5. नेक्स्ट इन दोनों का एडिशन यानी 8. नेक्स्ट टर्म आएगी इन दोनों का एडिशन यानी 13. और एक इन्फाइनिट सीरीज है. क्योंकि इन्फाइनिट सीरीज है तो मैं इसे एन नंबर ऑफ टर्म्स तक डिस्प्ले करूंगा. तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसा होगा. To do it home, flow chart. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की flow chart की भी practice हो, तो मैं इसका program बनाना शुरू करता हूँ. लेकिन थोड़ा सा logic भी सिखा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. How it works? तो how it works हम देखेंगे कैसे काम करेगा. हम कोई भी तीन वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन मैं उन तीन वेरिएबल्स का नाम यहाँ पे मैं ज़ूम कर रहा हूँ. ए बी सी, इसका हम नाम देंगे ए, इसका नाम बी. अब हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप इन दोनों के एडिशन से आएगी, जिसका हम नाम दे रहे हैं सी. और हमेशा हम ए को प्रिंट करवाएंगे. अब हमें ये टर्म निकालनी है, तो जो टर्म निकालनी है उसको हमेशा नाम सी देंगे. इसका मतलब जो थोड़े पहले सी था उसको बी बनाना पड़ेगा, और जो बी था उसे ए बनाना पड़ेगा. तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि बी जो है वो ए बन जाए, जो सी वो बी बन जाए, तो ये टर्म आ जाएगी. फिर से इसे प्रिंट करवाएंगे ए को. नेक्स्ट टाइम हम इसे सी मानेंगे. अब अगर ये सी है तो ये बी है और ये ए है, और आगे हम इसे प्रिंट करवा देंगे. तो कंक्लूजन निकला कि अगली टर्म निकालने के लिए हम जो नई टर्म है उसे सी मानेंगे, जो सी थी उसे बी बना देंगे, और जो बी था उसे ए बना देंगे. और इसे आप जितनी बार समझना चाहें उतनी बार ही लॉजिक वर्क करेगा, क्योंकि हर बार हम पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं. तो सी बी बन गया और बी ए बन गया. तो जैसा हमने यहाँ पे डायग्राम देखा है, लॉजिक देखा, सेम वैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे. तो अगेन हम फाइल में रखे कहेंगे न्यू फाइल और उसे सेव कर लेते हैं, और इसका नाम दे रहे हैं हम फोर्थ और फिबोनाची सीरीज. ये कुछ ऐसे कंसेप्ट जो हम आगे चल के फिर से यूज करेंगे जब आपको मैं फंक्शंस में पढ़ाऊंगा रिकर्जन. अभी मैं आपको आइटरेटिव अप्रोच सिखा रहा हूं. तो अभी जो प्रोग्राम मैं बना रहा हूं वो है आइटरेटिव या लूप अप्रोच. आगे चलकर हम सीखेंगे रिकर्सिव टेक्निक. अब रिकर्सिव टेक्निक क्या होता है मैं आगे चलकर डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी नहीं. तो प्रोग्रामिंग अब इसकी डिजाइन की जाए. तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें यूजर से एक नंबर पूछना है कि कितने टर्म्स प्रिंट करनी है. एंटर नंबर ऑफ टर्म्स टू प्रिंट, क्योंकि इनफिनिट सीरीज है.
अब हम देखें एक वेरिएबल ए था जीरो, बी था वन, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से हमें चलना है, तो लॉजिक के हिसाब से जीरो वन था, तो यहां पे रूल वन अप्लाई हो गया था दोस्तों, इन दोनों लाइंस पे रूल वन अप्लाई हुआ था इन दोनों के लिए, जबकि बाकी सब के लिए रूल टू अप्लाई हुआ था। तो अब हमें लूप परफॉर्म करना होगा, तो हमने कहा आई नाम का एक वेरिएबल जो क्योंकि इनिशियल वैल्यू, हमें लूप चलाना है जब तक कि हम लेस देन इक्वल टू एन है। तो पहले जहां हमें 10 तक लूप चला था, अब हम एन तक लूप परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, सी इक्वल टू ए प्लस बी। पहले मैं सोच रहा हूं कि हम प्रिंट ए कर ले, प्रिंट ए डिस्प्ले करंट टर्म, तो पहले हम करंट टर्म डिस्प्ले कर लेते हैं, कंप्यूट नेक्स्ट टर्म, और सबसे इंटरेस्टिंग स्विचिंग, हमें स्विचिंग करनी है, जो बी था उसे ए बनाना है, जो सी था उसे बी बनाना है। तो सिस्टम से हम करें सिस्टम, अब ए बी के बराबर हो जाए, जिसका मतलब है ट्रांसफर वैल्यू ऑफ बी टू ए। अब इसी तरह से हम लिख रहे हैं बी इक्वल टू सी, जिसका मतलब है ट्रांसफर वैल्यू ऑफ सी टू बी। तो जो बी था वो ए बन गया, जो सी था वो बी बन गया। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। यहां पे प्रिंट में ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अगर हम पाइथन 2.x में काम करते तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन पाइथन 3.x में ब्रैकेट इज कंपल्सरी। देखिए मुझसे नंबर पूछा जा रहा है कि भाई आपको कितनी टर्म्स चाहिए, तो हमने कहा मुझे 10 टर्म्स चाहिए। अभी भी शायद हमने काउंटर नहीं बनाया, क्योंकि हमने काउंटर नहीं बनाया तो देखिए एरर आ गया, इसको स्टॉप करना पड़ेगा हमें। कैसे स्टॉप हमें देखना पड़ेगा कि कैसे स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं शायद, क्योंकि टर्मिनल में कंट्रोल सी स्टॉप करने के लिए होता है। देखिए कंट्रोल सी प्रेस करने से रुक गया, और अच्छा हुआ कि मैंने आपको करके दिखाया, कि गलती से कभी आपसे भी गलती हो जाए तो यू टू प्रेस कंट्रोल सी यानी किल, क्योंकि यहाँ पे गलती से एक लाइन मिस हो गई थी जो थी आई इक्वल टू आई प्लस वन, और अच्छा भी हुआ क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम कोई लूप रहा तो तीन चीज़ हमें जरूर चाहिए, एक तो इनिशियल वैल्यू, दूसरी कंडीशन, और तीसरी काउंटर, क्योंकि यहाँ पर मैं काउंटर भूल गया था, इस कारण से इनफिनिट प्रोग्राम बन गया था। अब इसे रन कर लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी टर्म्स हमें चाहिए, तो हमने कहा 10 टर्म्स। अब क्योंकि लॉजिक सही है दोस्तों, तो आप देख सकते 10 टर्म्स प्रिंट हो गई। अब 10 की जगह अगर आप 20 देना चाहें तो 20 टर्म्स भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा, हमने कहा 20 टर्म्स, तो यहाँ पे 20 टर्म्स भी प्रिंट हो गई है। ये सीरीज कुछ ऐसा से होती है 01 01 01 01 01, और ये इनफिनिट सीरीज है, लेकिन हम चाहें तो उसे एन टर्म्स तक डिजाइन कर सकते हैं। अब इसे मैं कैसे डिजाइन करूंगा, तो बहुत ही इजी तरीका है, हम एक वेरिएबल लेंगे जैसे जी, जिसको हम रखेंगे जीरो, क्योंकि फर्स्ट टर्म ये है, अब हम एक वेरिएबल आई लेंगे लूप परफॉर्म करने के लिए जब तक कि वो लेस देन इक्वल टू एन है। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टेबल, कि कैसे हमारा प्रोग्राम काम करेगा। तो पहले प्रोग्राम बना के मैं लॉजिक समझा रहा हूं, हम प्रिंट करवाएंगे जे को दोस्तों, और यहां पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन लिखूंगा, जे इज इक्वल टू
नॉट ऑफ जे, इसे नॉट कहा जाता है दोस्तों, नॉट ऑपरेटर। अब नॉट की खासियत क्या है कि नॉट ऑफ जीरो वन होता है और नॉट ऑफ वन जीरो होता है, क्योंकि हम इसे कहते हैं ऑफ। जो ऑफ ना हो तो ऑन, जो ऑफ ना हो तो वो ऑन कहलाएगा। ऐसे ही जो ऑन ना हो तो वो ऑफ कहलाएगा। तो टेक्निकली इंटरव्यू में क्वेश्चन इसलिए आता है कि वो आपकी स्किल्स चेक करना चाहते हैं कि आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता है या नहीं। तो पहली बार आई रहेगा वन, माना कि एन फोर है, हमें फोर टर्म्स चाहिए। हम एज्यूम करें लेट एन इक्वल टू फोर, तो कंडीशन ट्रू है, प्रिंट होगा जे, तो जे जीरो है, लेकिन यहां लिखा है नॉट ऑफ जीरो, तो नॉट ऑफ जीरो वन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई होगा टू, टू लेस देन यस, लेकिन हम जानते हैं कि जे की एक्चुअली वन है, तो वन प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम नॉट ऑफ वन हो जाएगा, जिससे की वैल्यू हो जाएगी जीरो। आई क्लियर हुई थ्री लेस देन फोर, यस। अब हम जानते हैं कि जे की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर से हो जाएगा नॉट ऑफ जीरो, जो हो जाएगा वन। नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा फोर, और हम जानते हैं कि प्रिंट होगा वन, अब नॉट ऑफ वन हो जाएगा जीरो। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कंक्लूजन निकला कि हमें सिंपल जो वन से लिखे एन तक का लूप सिखाया गया, वो लूप चलाना है, बस एक वेरिएबल जे प्रिंट करवाना है, ना कि आई, और जे प्रिंट करवा के हम नॉट कर देंगे, नॉट ऑफ जे। अब नॉट ऑफ जे कर देंगे तो जो भी वैल्यू होगी उसका अपोजिट प्रिंट होगा। तो क्यों ना इसका प्रोग्राम आप लोगों के लिए डिजाइन किया जाए। तो हमने क्योंकि लॉजिक समझ लिया, अब इसकी प्रोग्रामिंग की जाए। तो अगेन फाइल में जाके न्यू फाइल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट विंडो है, या फाइल विंडो हम कह सकते हैं, जिन जिन प्रोग्राम्स में हमने वर्क किया उनकी यहाँ पे लिस्ट आ रही है, जिससे कि हम किसी भी प्रोग्राम को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसे सेव कर लिया जाए, हमारा आज का ये फिफ्थ प्रोग्राम है, और ये हम बना रहे हैं फ्लाइट सीम्स। अब यहाँ पे मैं डॉट पी वाई देना चाहता था, लेकिन हमने पी वाई दिया नहीं, तो डॉट टी एक्स टी बन गया है, जिस कारण से इसको मुझे वापस सेव करना पड़ेगा पी वाई नाम से। यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन लिख रहे हैं, हमें पी वाई नाम से इसे सेव करना था। तो इसी बारे हमने सीखा कि हमें ध्यान देना चाहिए किस नाम से फाइल सेव हुई, हमेशा कितने यूजर से पूछेंगे कितनी टर्म्स प्रिंट करवा दी है। टू प्रिंट, तो हमने सीखा था कि लूप कैसे डिजाइन करते हैं, पहले इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू हमने रखा वन, कब तक, जब तक कि आई लेस देन रूट टेन है, और काउंट, लास्ट टाइम मुझसे गलती हुई थी क्योंकि मैंने तीनों चीजें सोची नहीं थी। तो ये हो गया हमारा इनिशियल वैल्यू, ये हो गया कंडीशन, और ये हो गया काउंटर। अब बाकी जो चीजें हैं वो मैं बाद में ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें चाहिए जे, तो एक्स्ट्रा वेरिएबल जे इंट्रोड्यूस कर दिया, जे इक्वल टू जीरो, इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लैट सीरीज, फिर हम जानते कि हमें जे को प्रिंट करना है, तो हमने जे को प्रिंट करवा दिया, और हम चाहते हैं कि सब एक ही लाइन में प्रिंट हो, लेकिन हम चाहते दोस्तों फॉर्मूला जे इक्वल टू नॉट ऑफ जे, चेंज जीरो टू वन, एंड वन टू जीरो। अब इस लाइन को मैं नाम दे रहा हूं स्टार वन। इसी लाइन को हम कई तरह से लिख सकते हैं, तो एक लाइन में आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी लाइन्स आप घर में ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं, पहले इसे सेव कर लिया जाए और इसे रन कर लिया जाए। यहां पे हमने कॉलन साइन लगाना चाहिए था, इसे रन करते हैं।
यहाँ पे नॉट हमें इससे से लिखना चाहिए, सी प्रोग्रामिंग में नॉट हम एक्सक्लेमेशन साइन से बनाते हैं, यहाँ पे नॉट कुछ इससे से लिखेंगे, तो लैंग्वेज का डिफरेंस आया है। और रनिंग टर्मिनल, हमसे नंबर ऑफ टर्न्स पूछी आ रही है, तो हमने कहा 10 टर्म्स, यहाँ पे 10 टर्म्स ट्रू फॉल्स के फॉर्म में प्रिंट हो रही हैं, हालांकि मैं चाहता था कि 0-1 के फॉर्म में प्रिंट हो, तो क्या इनका इंट वैल्यू पॉसिबल है या नहीं? यहाँ पे मैं इंट फंक्शन यूज कर लेता हूँ, शायद हमें इसकी इंटीजर वैल्यू मिल जाए। हाँ बिल्कुल, कारण क्या कि हमारे पाइथन में दो चीजें होती है, ट्रू और फॉल्स, जिस कारण से वो वन को मान लो, देखिए जीरो को तो उसने जीरो माना, लेकिन ट्रू को उसने वन को मान लिया ट्रू, तो जीरो को मान लिया फॉल्स, ट्रू फॉल्स, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन ने ट्रू फॉल्स के फॉर्म में शो किया, लेकिन मैंने पाइथन से रिक्वेस्ट की कि पाइथन मुझे ट्रू फॉल्स की इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ट्रू फॉल्स की इंटीजर वैल्यू क्या हो गई, ट्रू की इंटीजर वैल्यू हो गई वन, तो इंटीजर ऑफ ट्रू होता है वन और इंटीजर ऑफ फॉल्स होता है जीरो, यानी फॉल्स जीरो कहलाता है और ट्रू वन कहलाता है। अब इसी तरह से हम लॉजिक की बात करें, तो लॉजिक में ये वाला साइन लगाया, अगर हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे होते तो सी, जावा, सी शार्प, इन सब में ये वाला सिंबल हम नॉट के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब हमने पाइथन प्रोग्रामिंग की तो हमने देखा कि पाइथन प्रोग्रामिंग में नॉट हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहां पे नॉट एक कीवर्ड है, लेकिन लॉजिक इस प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट, तो नॉट पढ़ना चाहे आप ऐसा तो ऐसा पढ़िए, अगर आप ऐसा पढ़ना चाहे तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे स्टार वन लगाया हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि इस इक्वेशन को घर में आप दो तरह से और ट्राई करेंगे, तो टू डू इट होम, राइट लाइन एस्ट्रिक्स वन एस, पहला ऑप्शन में आपको दे रहा हूं आप ऐसा लिखेंगे, जे इक्वल टू वन माइनस जे, सेकेंड आप लिखेंगे सेकेंड के लिए थोड़ा सा और चेंज करना होगा, तो इसी टेक्निक को ट्राई कीजिएगा, जे इक्वल टू वन माइनस जे, या फिर सेकेंड हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल आई के थ्रू करना पड़ेगा, हमें प्रिंट करना पड़ेगा आई परसेंट टू Instead of displaying J. तो दो तरह से आप प्रोग्राम को ट्राई करेंगे, नो नीड ऑफ वेरिएबल J. तो एक तरीका है कि हम इक्वेशन को नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, दूसरा आप इसे ट्राई कीजिएगा घर में दोस्तों, वन माइनस जे आप इसे ट्राई करेंगे i परसेंट टू, हम जानते हैं कि परसेंट का मतलब है रिमाइंडर, जब हम टू से किसी चीज को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा या तो जीरो या वन, तो ऐसे भी आप लोगों को प्रिंट करके देखना है। हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट प्रोग्राम पे, जनरेटिंग सीरीज फॉर टू टू फॉर i means 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 etc. तो ये भी infinite series है, लेकिन हम n terms तक print करना चाहेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा computer binary number है, तो हम binary series बना रहे हैं। अब इसे कैसे achieve करेंगे ये आपको मैं हमेशा की तरह पहले logic समझाऊंगा और फिर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसका हम एक छोटा सा लॉजिक बना रहे हैं कि कैसे सीरीज को डिजाइन करना है। अब सीरीज बनाने के में एक लूप चलाएंगे आई का, वन से लेके एन तक,
जैसा कि हम पहले चलाते थे, लेकिन हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे वेरिएबल जे को, और हम देख रहे हैं कि जे की इनिशियल वैल्यू 1 है। तो हमेशा की तरह मुझे एक वेरिएबल चाहिए आई, एक वेरिएबल चाहिए एन। मान के चलो कि यहाँ पे एन 4 है, मैं 4 टर्म्स प्रिंट करना चाहता हूँ, तो हम प्रिंट करवाएंगे जे को, और यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा दोस्तों जे इज इक्वल टू 2 इंटू जे, और फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब पहली बार आई 1 है, लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट होगा जे, तो जे 1 है। नेक्स्ट टाइम लिखे कि जे में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर तो 2 बन जाएगा, और आई बढ़ के 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम आई 2 है, कंडीशन ट्रू है, जे प्रिंट होगा तो जे 2 है। नेक्स्ट टाइम जे में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे कि बन जाएगा 4, लेकिन आई बढ़ के हो जाएगा 3। नेक्स्ट टाइम आई 3 है, लेस देन एन, कंडीशन ट्रू, तो जे की नई वैल्यू प्रिंट होगी ना, 4 प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2 टाइम्स ऑफ 4, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8। नेक्स्ट टाइम आई हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे नई वैल्यू प्रिंट होगी 8, लेकिन यहाँ पे लिखा है 8 इंटू 2 यानी 16, तो नेक्स्ट टाइम 16 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5। हमने कंप्यूटर को लूप केवल 4 तक चलाने के लिए कहा है, तो जैसे ही हमारा कंप्यूटर 5 पे पहुंचेगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप रुक जाएगा। तो कंक्लूजन निकला कि टीच ने क्या किया, हर बार टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन टू टू। तो हर बार जब हमने टर्म्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो हमेशा वो 2 के पावर में चलेगा। अच्छा, इंटू 3 करते तो 3 के पावर की सीरीज बन जाती, इंटू 4 करते तो 4 के पावर की सीरीज बन जाती, 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 से मल्टीप्लाई की सीरीज बन जाती। तो अब इसकी प्रोग्रामिंग की जाए, देखिए कैसे इसका प्रोग्राम बनेगा। मैं इसी प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, क्योंकि काफी लॉजिक सेम इसी के जैसा ही है। बस हम यहाँ पे कर देते हैं 2 to the power i series, बस हम जानते कि हमें यहाँ पे j को 1 से शुरू करना है और फॉर्मूला चेंज करना है, j इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ j, और यहाँ पे इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीजर में है। ये फालतू जो कमेंट है उनको हटा दिया जाए। हमेशा की तरह मैं स्टैंक का नाम दे रहा हूँ स्टार 1, जिससे कि आप लोग इस लाइन को डिफरेंट वे में भी ट्राई कर पाए। तो ए पार्ट इसको हटा देते हैं, बी पार्ट और सी पार्ट, बाकी हमने जे को प्रिंट करवाया है और यहाँ पे परफॉर्म किया 2 टाइम्स ऑफ जे टू कंप्यूट नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो आज के हमारे जितने भी प्रोग्राम से सब में एक कंसेप्ट था, सभी में हमने लूप चलाया और नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने का कंसेप्ट अप्लाई किया। अब इसे रन किया जाए, मुझसे कहा जा रहा है कि कितने टर्म्स प्रिंट करने हैं, तो मैंने कहा 10 टर्म्स। तो आप देख सकते हैं हमें 10 टर्म्स प्रिंट हो गए, क्योंकि 2 का पावर 0 से शुरू होता है, इस कारण से वो 512 तक शो कर रहा है। अगर हम 11 टर्म्स कहते तो 1024 तक प्रिंट होता है। अब यहाँ मैंने स्टार 1 मार्किंग की है, आपसे मैं क्या उम्मीद करूंगा, इन प्लेस ऑफ स्टार 1, इन प्लेस ऑफ स्टार 1 राइट जे इज इक्वल टू जे प्लस जे। भाई हम जानते हैं 2 टाइम्स ऑफ जे, अब 2 टाइम्स ऑफ जे को हम जे प्लस जे भी लिख सकते, तो आप ऐसा भी ट्राई कीजिएगा। सेकंड डिजाइन लूप इन रिवर्स,
दैट इज फ्रॉम एन टू वन. अभी मैं वन टू एन चला रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस लूप को एन टू वन चलाएं, जिससे कि सीरीज रिवर्स में प्रिंट हो. इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहां पेस्ट. हमारे कई फ्रेंड क्या कहते हैं, मैथ मॉड्यूल का बिल्ट इन फंक्शन पीओडब्ल्यू यूज कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में डू नॉट यूज बिल्ट इन फंक्शन पावर. डू नॉट यूज बिल्ट इन फंक्शन पावर. इसके पीछे कारण क्या कि हमारे पाइथन में या सी लैंग्वेज में तो पावर फंक्शन अवेलेबल है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसमें पावर नाम का फंक्शन ना हो. तो जब भी हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि किसी भी बिल्ट इन फंक्शन का यूज किए बिना हम लॉजिक को डिजाइन करें. यहाँ पे हमने सी से लाई 10 तक, लेकिन हम जानते हैं कि हमें यूजर से एक नंबर एन पूछा है, तो उसको हम एन तक कर सकते हैं. ऐसे हमने जो पिछला प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने एन तक ही लिखा था, ठीक है. तो बाकी समय में एन लिखा था, तो यहाँ पे भी मैं सीरीज एन टर्म्स तक प्रिंट करवानी है. तो यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ मैं एन स्पेसिफाई कर लेते हैं, जिससे कि एन टर्म्स तक सीरीज प्रिंट हो.